हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आपके पास एचएस का पेपर वन, आपके पास जनरल स्टडी का जो हुआ है उसके जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम हुआ है, जस्ट आपके पास हाफ आर हुआ है, तो अभी मैं जितने मेरे को डायरेक्ट आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिले। आपको जो है इसको अगर आप देखना चाहें तो देख आप कर सकते हैं, मिलान इसमें कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न पर चलते हैं सीधे। शिकुला सुरंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपके पास अगर देखें तो ऑप्शन आपके पास सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे राइट हिमाचल प्रदेश आपके सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 विल रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को रिप्लेस करेगी, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न आपके पास रहेगा, जीवक चिंतामणि वॉज रिटन बाय? तो आपके पास तिरुथक्लेवर इस तरह से लिखा है, ऑप्शन बी अगर आप देखें तो ये बिल्कुल आप पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, झेलम रिवर राइज फ्रॉम? झेलम नदी का उद्गम स्थल है, तो कहाँ से आपके पास है? ये आपके पास वेरीनाग स्प्रिंग, वेरीनाग चश्मा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वॉज गिवन बाय 1/3 अमेंडमेंट आपके देखने को मिला था? 103वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान आपके दिया गया है, ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन जो बी दिया था बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ स्पीकर अलाउ एनी मेंबर टू स्पीक इन पार्लियामेंट इन हिज और हर मदर लैंग्वेज? तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश इन दोनों में कंसीडर होता है, एज ए मदर लैंग्वेज भी आपके पास इसमें कंसीडर किया जाता है, तो आर्टिकल 120 जो वन है आपके पास, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया है, 120 ब्रैकेट में वन आपके पास, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन रीज द SDA इंडियाज इंडेक्स विच कॉम्प्रीहेंसिवली डॉक्यूमेंट द प्रोसेस मेड बाई इंडिया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू वर्ड इम्प्लीमेंटिंग द 2030 SDG टारगेट? तो ये आपके पास नीति आयोग का है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाना था। नेक्स्ट आपके पास है, लिथोस्फीयर इज नोन एज, तो इसको आपके पास एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स अजैविक घटक के रूप में इसको जाना जाता है, ऑप्शन जो फर्स्ट है मेरे हिसाब से बिल्कुल सही होगा। बाकी जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल आपको करवा दी जाएगी, एक से दो दिन में आपके आ जाएगी। फर्स्ट कॉम्प्रीहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 16 अप्रैल 1976, ऑप्शन जो आपके पास सी था ये सही हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड एट हैदराबाद, इसमें बिल्कुल सही था, ऑप्शन सी। द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ वाटर इज फॉर, तो ये आपके पास सिंचाई के लिए वैसे 70% के आसपास रहता है, एग्रीकल्चर के लिए, तो इसमें इरिगेशन आपके पास सही होगा। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कॉम्पोनेंट? आई होप इसमें तो कोई निसंदेह होना नहीं चाहिए, ऑप्शन अगर आप देखें तो एनिमल आपके पास एकमात्र ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन सी इज राइट। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2023 पर्टेंस टू द थीम ऑफ, तो अगर आपको सभी को देखा होगा आपने जब ये बनाया गया था तो इसकी थीम आपके पास फॉरेस्ट एंड हेल्थ, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट चलेंगे आपके पास, टेम्पलेट क्लासेस ऑफ द अफ्रीका ऑल्सो नॉन एज, तो आपके पास ये तो पूछने वाली बात नहीं, बहुत आसान सा था, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो बी दिया है वेल्ड आपके पास यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलेंगे आपके पास, हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल इन 1946 की बात है, तो शिवानंद रमोल, ऑप्शन इज राइट आंसर। डोडरकवा रिवोल्ट टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो ये आपके पास राम बहादुर सिंह थे, अब ऑप्शन में आपके पास रन बहादुर है, अगर आपके पास यही होगा तो शायद यही होगा, अगर ये आपके पास सच में राम बहादुर ही है तो फिर आपके पास ऑप्शन डी हो सकता है, इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, तो मेरे हिसाब से तो राम बहादुर है, रण बहादुर नहीं है। हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द हिमाचल प्रदेश ऑफ मैक्सिमम टाइम, ये तो सभी को आपको पता है, वीरभद्र आपके पास रहेंगे। आगे आपके पास अगर देखें तो इसमें भी थोड़ा सा सस्पेंस है, आपके पास विनोविंग रेफर्स टू, तो ये मेरे हिसाब से जो होना चाहिए सेपरेशन ऑफ लार्ज साइज इन पर्टीज, तो आपके पास ऑप्शन सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। टू वर्ड इट्स जर्नी टू बिकम फुल स्टेट, वट इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश, तो इट बिकम चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन 1948, बिल्कुल सही बात है। बात की जाए, इट बिकम यूनियन टेरिटरी इन 1956, ये भी आपके सही है। इट गोट इट्स जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन 1967, ये आपके गलत है, क्योंकि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आपके पास 1963 आपके बने हैं जहाँ तक मुझे पता है, तो यहाँ पे थर्ड आपका गलत होगा। इट बिकेम 18th स्टेट ऑफ द यूनियन इन 1971, ये तो बिल्कुल आपके पास सही है, तो यानी कि 1, 2 और 4 ऑप्शन अगर आप देखें कहाँ पर मिलता है तो ऑप्शन सी में मिल जाता है, तो ये आपके पास सी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे आपके पास, आगे आपके पास है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर एटॉमिक नंबर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, तो कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन 8,
सोडियम अगर आप देखें, सिलिकॉन देखें, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी था 1, 2, 3, 4 ये बिल्कुल आपके जैसे थे, वैसे ही आपके आने थे, ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाना था। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज है, जो मिलिट्री की एक्सरसाइज आपकी रहती हैं दो कंट्रियों के बीच में, उसमें कुछ नाम आपके लिखेंगे। जैसे सूर्य किरण किसकी है, इंडिया नेपाल की। आपके पास हैं गरुड़ शक्ति, विजय प्रहार, सिम्बेक्स, ये सारी मिलिट्री एक्सरसाइज। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑप्शन अगर आप देखें तो सी, जिसमें आपके पास ए की अगर हम बात करें, सूर्य किरण आपके पास किसके साथ है, ये इंडिया नेपाल, तो यानी कि ए का बी आएगा। बी की अगर मैं बात करूँ गरुड़ शक्ति, तो आपके पास इंडिया इंडोनेशिया की है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है बिल्कुल आपके पास यहाँ पे इंडिया इंडोनेशिया बिल्कुल सही होगा, यानी कि पी का वन के साथ। विजय प्रहार की अगर हम बात करें तो ये आपके पास इंडिया और यूएस की आपके पास देखने को मिलती है। सिम्बेक्स आपके पास इंडिया सिंगापुर की है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी था यह बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाना था। नेक्स्ट है आपके पास नीतिपास। नीतिपास कहाँ से है, तो अगर हम बात करें नीतिपास की, तो सबसे पहले जो आपको पता है, आपको क्या पता है, रोहतांग पास। रोहतांग सभी को पता है आपके पास कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। नीतिपास आपके उत्तराखंड में वैसे आता है। बात की जाए लिखा पानी पास की, या वैसे तो आपके जम्मू कश्मीर के आसपास का एरिया है, तो लद्दाख में भी आपके ये टच होता है, तो सी का आपके अगर देखें तो सी का आपके पास, माफ़ कीजिएगा, जो लिखा पानी है ये आपके पास असम में आता है, तो असम की अगर हम बात करें तो असम के साथ आपके अरुणाचल प्रदेश भी है, तो सी का वन के साथ होना चाहिए। जो कुंजरीप पास है ये आपके पास देखने को मिलता है, कहाँ पे देखने को मिलता है, डी का अगर हम बात करें तो ये आपके पास जम्मू कश्मीर के आसपास लद्दाख के एरिया में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट दिया था ये बिल्कुल आपके यहाँ पे ठीक हो जाना था। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे डायरेक्ट पता थे, बाकी जैसे ही अभी एग्ज़ाम आपके कंप्लीट होता है, एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद शाम तक आपको पूरा पेपर क्रॉस चेक करके दे दूंगा। अगर आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि आपको जो है एक बार इसको क्रॉस चेक करना है और विद ऑप्शन सॉल्व करना है, तो मैं आपको करवा दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, पार्ट 2 इसका मैं लेकर आऊँगा। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर मेरे साथ बने रह सकते हैं।